भारत ने जीता हुआ मैच गवाया, बांग्लादेश ने एक विकेट से जीत हासिल की, राहुल का कैच छोड़ना पड़ा भारी। तो क्या पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पे? हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बाजी करती हुई भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में 9 विकेट गंवा कर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहले मुकाबले में भारत को एक विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बाजी करती हुई भारतीय टीम ने 41 ओवर 2 गेंद में 186 रन बना पाए। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया एक वक्त मजबूत स्थिति थी, उसने 136 रन पर बांग्लादेश का 9 विकेट गिरा दिए थे। हालांकि इसके बाद मैदान पर बड़ी गलतियां करते भारतीय टीम ने मैच को अपने हाथ से निकल जाने दिया। केएल राहुल ने 43 ओवर में बांग्लादेश के जीत के हीरो रहे मेहदी हसन मिराज का आसान सा कैच छोड़ दिया। मिराज ने एक तरफा अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाई। वह 39 गेंद पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे। रहमान ने 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। यदि केएल राहुल यह कैच ले लेते तो बांग्लादेश ऑल आउट हो जाती और टीम इंडिया का यह आसान से जीत हो सकती थी। दूसरा वनडे मुकाबला 7 दिसंबर को होने वाली, क्या भारतीय टीम बांग्लादेश को इस बार हरा पाएगी या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चार से लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।